नमस्कार, हंगामा न्यूज के खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पे। वाराणसी के मनवडी स्टेशन पे तैनात जीआरपी चौकी प्रभारी मनोज राय ने 20 वर्षों से फरार चल रहे अपराधी विजय उर्फ राजेंद्र को लहरतारा नई बस्ती क्षेत्र से किया गिरफ्तार। बलिया के दुभर गांव में चुनावी रंजिश में बाइक सवार बदमाशों ने गांव के सरपंच विनोद दुबे को मारी गोली, गंभीर हालत में उन्हें कराया गया अस्पताल में भर्ती। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में पहाड़ी पर मजदूर का शव मिलने से मची सनसनी, जताई जा रही हत्या की आशंका। वाराणसी के फुलवरिया रेलवे क्रॉसिंग पर अनियंत्रित मैजिक ने तोड़ा रेलवे फाटक, मौके से ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हुआ फरार। लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने लापरवाही के आरोप में 3 बीएलओ को किया सस्पेंड। बाराबंकी में ट्रक बस की टक्कर में एक यात्री की हुई मौत, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। यात्रियों को लखनऊ ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। फरुखाबाद के सदर कोतवाली इलाके में पोलिंग बूथ के बाहर हुए बवाल और फायरिंग के मामले में पूर्व सपा विधायक के बेटे समेत 6 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। शामली के कांद्रा थाना क्षेत्र में डंफर और बाइक के टक्कर में बाइक सवार पुत्र की हुई मौत, जबकि गंभीर रूप से घायल पिता को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में सवारी से भरी टेम्पो पलटने से 10 लोग घायल, जबकि 2 की हालत गंभीर, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला, हत्या कर युवक का शव फेंके जाने की आशंका। हंगामा न्यूज से जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।